तो दुकानदार की दुकानदारी भी नहीं चली। इन्होंने ऐसा धंधे को सारा चौपट करके रख दिया कि हर आदमी रो रहा है। जो बिल्डर है, मकान बनाने वाले हैं, वो रो रहे, हमारा धंधा चौपट हो गया। अब एक बिल्डर के साथ कितने लोग जुड़ते हैं, सैकड़ों की तादाद में तरह तरह के लोग जुड़ते हैं, सारे बेकार हो गए। तो इस पूरी गलतियों को बदलने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने कहा कि हमें जो नेता मिल रहे हैं उनके पास विजन भी है और उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो नौकरशाही पे नकेल डाल सकते हैं। लोग कहते हैं नौकरशाही बड़ी होशियार होती है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे आने वाले नेता उनसे भी ज्यादा होशियार है। बहुत बढ़िया भैया। मध्य प्रदेश में हमको ऐसा नेतृत्व प्राप्त होने वाला है कि जिनकी योग्यता पर कोई शंका नहीं कर सकता। और बड़े बड़े पदों पर रहे तो उनकी प्रशासनिक कंट्रोल पर भी कोई संदेह नहीं कर सकता। पिछली बार प्रशासन पर नियंत्रण समाप्त हो गया, नौकरशाही को खुली छूट मिल गई, लूट लो जितना लूट सकते हो, काम भले ही मत करो लेकिन लूटने में कसर मत करो। लगा लगा के लोग परेशान, अभी इस माहौल को खत्म करने की जरूरत है। नियमों का सरलीकरण होना चाहिए। ये अधिकारी नियमों को इतना उलझा हुआ बना देते हैं कि आम आदमी को परेशान करते हैं। मधुओं जैसा काबू भाई ने कहा, खुशी मनाने का भी पर्व है पर जिम्मेदारियों को एहसास कराने वाला भी पर्व। बहुत सी समस्याओं को हल करना है। अगर सरकार बन गई, इसमें कोई शक नहीं है, तो पहला काम किया जाएगा नौजवानों का। अगर मध्य प्रदेश में सत्ता प्रकट होता है तो उसका श्रेय भी नौजवानों को जाता है। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान पूरी ताकत के साथ लगे थे, समस्याओं को हल करेंगे। जब सबकी हालत ये है, कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक की हालत ये है, सब कुछ चंद ऑफिसर्स के हाथ में चला गया और वह ऑफिसर्स केवल एक व्यक्ति की सुनते, मुख्यमंत्री। लेकिन लोकतंत्र में कोई मुख्यमंत्री अकेला नहीं होता, कैबिनेट बनाई जाती है। कैबिनेट का मतलब सब तरफ का प्रतिनिधित्व होना। तो सब में भी ताकत होना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात कर सके, उसके लिए कुछ काम कर सके। लेकिन वो कभी आ नहीं रही, इस बात नहीं रही। तो ये समझ लो, ऐसा मन में मत लाना कि मुझे जिम्मेदारी मिल गई है और मैं काम करूंगा। काम हम सबको मिलकर करना है। बहुत बड़ी बात है। और उसमें कार्यकर्ता का भी समावेश होगा, इस बात का भी प्रयास होगा। ऐसी परिवर्तन इस देश के इतिहास में होगा। नेता कैसा चाहिए, जो समस्याओं को समझ सके और उनका हल निकाल सके। पिछली सरकार में जो नेता थे, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, जो उनमें एक होती है दूरदर्शी विजन, उसकी कमी थी। उस समय यह होता था अगर प्यास लगी है तो कुआं खोदने की सोचो। तत्कालीन जो छोटा मोटा हल हो सकता है, किसान को कहीं भावांतर दे दिया, कहीं मुआवजा दे दिया, कहीं बैच कम कर दिया, इस तरह की बातों से चलता रहा मामला। लेकिन किसान को भी मामले जी
माली भाटिया जी पंकज राठौर जी अशोक जैन जी उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, ये ऐतिहासिक चुनाव था। होशंगाबाद और इटारसी की जनता याद रखेगी कि किसी ने उनको आतंक से मुक्त कर होशंगाबाद से आजादी आजादी। इसका श्रेय जाता आप सबको, क्योंकि चुनाव के लिए एक व्यक्ति का नहीं होता, चुनाव के लिए पूरी सेना लगती है और आप उस सेना के सिपाही हो जिन्होंने विजय हासिल की है। कुछ है स्पर्श नहीं है, आदमी फैसला करता है वैसा होना चाहिए कि उसको बदलने की जरूरत ना पड़े। उसका परिणाम ये है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। मुझे बता दें, 15 सालों में अगर कुछ भी हुआ तो बता। मैं कई बार इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई, एक एक मीट पर करोड़ों खर्च हो गए, एमओयू साइन हो गए, लेकिन कारखाना नहीं लगा। हमारे मुख्यमंत्री को बहुत शौक है उद्घाटन करने का। आप याद कर लो, हर काम में उद्घाटन, लेकिन किसी कारखाने का उद्घाटन नहीं किया। जब बनाएंगे तो कहां से करो? उद्योगीकरण नहीं होगा, नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। आप ये जानते हैं कि लगातार इटारसी से शायद 25 साल होगा, 28 साल से हम चुनाव हार गए। अब ये कलम तो मिटाना पड़ेगा। मिटा दिया बाबू जी आपने, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आप सक्षम हो जाओगे। इसलिए परिवार को बढ़ाना जरूरी है और आज का माहौल ऐसा है कि बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़िए, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल करिए। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, चाहे वो नगर पालिका की हो, चाहे लोकसभा की हो, या मंडी की हो, जिला पंचायत की हो, जितनी भी संस्थाएं हैं जो चुनाव के माध्यम से जिनके अधिकारी तय होते हैं, हमें हमारा जो कलंक 28 साल का, वो एक चुनाव जीतने से नहीं मिटेगा, बल्कि सभी चुनाव जीतने करना कुछ नहीं है। जीएसटी के नियमों का सरलीकरण करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसी व्यवस्था बना दो कि अधिकारी व्यापारियों को शोषण न कर सके। इसलिए बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने, क्षेत्र का विकास भी होना, और विकास के लिए पहले भी कई जगह कह चुका हूं कि हम लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे। अकेला मैं नहीं करूंगा, काकू भाई भी साथ होंगे, अंबिका शुक्ला भी साथ होंगे, पाली भाटिया भी साथ होंगे, बांगे जी भी साथ होंगे, और हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी साथ होंगे। और आप सबकी भी जिम्मेदारी है अपने वार्ड के बारे में आपको चिंता करें, आपकी बात की वजनदारी होगी। इस बार का भी प्रयास करें, सरकार बनने के बाद तो 100% हालात बदल जाए। इसलिए इसको ऐतिहासिक चुनाव कह सकते हैं, जिसे केवल लोग आजादी महसूस नहीं कर रहे, बल्कि एक उज्ज्वल भविष्य का सूरज भी देख रहे हैं। आज का कार्यक्रम
कोई ऐसा प्रायोजन नहीं था कि सबको बुलाया जाए। जितनों को सूचना हो सकती बता दे, जो आ सकता है वो आ जाए। वो छोटा कार्यक्रम है, केवल बल्ले का कार्यक्रम है। लेकिन एक बात, इनके लिए भविष्य का मामला, अब लंबे समय तक इंतजार करना संभव नहीं है नौजवान के लिए। अगर 5 साल में समस्याओं का हल हो गया तो ठीक है, ये तो बगावत के स्तर तक भी आ सकते। अब जिससे नौजवान बगावत करेगा, इस देश का माहौल क्या होगा आप अंदाज कर सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बार किसी सरकार ने नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने की निर्णय लिया, और वो भी 4 साल के लिए। उनके एक बात दिमाग में थी कि 4 साल में हम इस समस्या का हल कर लेंगे, 4 साल में हम और हर नौजवान को रोजगार दे देंगे, और यही कारण है कि इसकी समय सीमा 4 साल रखी गई है। और इस तैयारी में जुट जाइए, अपने परिवार को बड़ा लेट आए, बल्कि जो बुद्धिजीवी है उनके बीच में जाइए। मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर हो, स्कूल के टीचर हो, वकील हो, क्योंकि कांग्रेस के पास इतना कुछ कहने को है कि हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ नफरत नहीं है, यहाँ समाज को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं है, यहाँ भाईचारा स्थापित करने की ताकत। और इसी में देश का भविष्य है। ये समझ लेना, हम कोई पार्टी के लिए, अकेले पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। हर वार्ड के कार्यकर्ताओं की पूरी सूची कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए, और केवल कार्यकर्ता का नाम नहीं, पूरा पता और कब से वो पार्टी में है, अगर उसके पास कोई दायित्व है तो उसका उल्लेख। परिणाम के बाद हम एक बार नहीं अनेक बार लड़ेंगे, क्योंकि निकट का परिचय होना भी आवश्यक है, और वो तभी संभव है जब हम कई बार मिले। तो विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें हम लोग मिलेंगे। कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं भी सत्ता का एक छोटा सा हिस्सा हूं। पिछली सरकार में सबसे बड़ी समस्या ये, आप किसी से बात कर लो, कार्यकर्ता से बात करो, कहने भैया मैं तो उपेक्षित महसूस करता हूं। विधायक से बात करो, वो कहता है मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। और अटी तो तब हो गई जब बहुत से मंत्री भी कहते थे कि हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमें सरकार की है।